subscribe to my YouTube channel, press the bell icon and never miss another update. Hello everyone, welcome to Swati's Food Tonic. आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी. ये बर्फी बनाना बहुत ही ईजी है. ये देखिए हमारी बर्फी कितनी सॉफ्ट बनी है. इस बर्फी को हम चार इन्ग्रीडियंट से बनाएंगे जो आपको घर में ईजिली मिल जाएंगे. तो चलिए बर्फी बनाना शुरू करते हैं. बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1/2 कप देसी घी, जितना हमने बेसन लिया है घी हमें उसका आधा लेना है, 1/2 कप चीनी, 1/4 कप पानी, जितने हमने चीनी ली है पानी हमें उसका आधा लेना है. मैंने मेजरमेंट के लिए इस मेजरिंग कप का यूज़ किया है. आप चाहे तो सिंपल कप का यूज़ भी कर सकते हैं. गार्निश के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं. अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं. अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1/2 कप चीनी का डाल देंगे. फिर हम इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे. बेसन की बर्फी के लिए चाशनी हमें कोई भी तार की नहीं चाहिए. इसमें हमें सिर्फ चीनी को अच्छे से पानी में डिज़ोल्व करना है. ये देखिए चाशनी में हल्का सा बॉईल आ गया है. अब आप इसे अच्छे से चला लें और चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लें. ये देखिए हमारी चाशनी अच्छे से बॉईल हो गई है. अब हम इसे एक बार चला लेंगे. ये देखिए इसमें सारी चीनी डिज़ोल्व हो गई है. अब हमारी चाशनी तैयार है. अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1/2 कप देसी घी का डाल देंगे. घी हमें बेसन का आधा लेना है और इसे गर्म करने के लिए छोड़ देंगे. ये देखिए अब हमारा घी गर्म हो गया. अब हम इसमें 1 कप बेसन का डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे. बेसन की बर्फी बनाते समय आपको बेसन को बहुत अच्छे से भूनना है. जितने अच्छे से आप अपने बेसन को भूनोगे उतने ही टेस्टी आपकी बर्फी आएगी. बर्फी बनाते समय आप बेसन को अच्छे से चलाते जाइए. अगर आप बेसन को अच्छे से चलाएंगे नहीं तो आपका बेसन नीचे से जल जाएगा जिसके कारण आपकी बर्फी का टेस्ट खराब हो जाएगा. एक बात का आप खास ध्यान रखें, जब भी आप बेसन की बर्फी बनाएं तो गैस बिल्कुल लो फ्लेम में रखें. अगर आप गैस को हाई या मीडियम फ्लेम में रखोगे तो आपकी बर्फी का टेक्सचर उतना अच्छा नहीं आएगा और ना ही उसका कलर अच्छा आएगा. ये देखिए अब हमारे बेसन का टेक्सचर कितना चेंज हो गया है. ये पहले से कितना लिक्विडी हो गया है. अब आप इसे अच्छे से चलाते जाइए. आपको बेसन को चलाते जाना है. आपको बेसन को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. आप इस टाइम इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हो. अगर आपको दानेदार बर्फी अच्छी लगती है तो आप इसमें सूजी डाल लें. मुझे मुंह में घुलने वाली बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसमें सूजी नहीं डाली है. ये देखिए हमारा बेसन कितना पतला हो गया है. अब ये कलर चेंज करने लगा है. आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है. ये देखिए मैंने इसे कितनी कम आंच में पकाया है. जितनी कम आंच पे आप पकाओगे उतना टेस्टी आपका बेसन बनेगा. ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है. हमें इसी कलर का बेसन चाहिए. और टेक्सचर देखिए आप, इसका टेक्सचर कितना लिक्विडी हो गया है. ये टेक्सचर आपका तभी आएगा जब आप इसे अच्छे से भूनोगे. जितने अच्छे से आप इसे भूनते जाओगे टेक्सचर इसका उतना ही लिक्विडी होता जाएगा. अब इस स्टेज में हम चाशनी डालेंगे. चाशनी डालने से पहले हम इसे एक बार अच्छे से गर्म कर लेंगे क्योंकि हमें बेसन में गर्म गर्म चाशनी डालनी होती है. अब हमारी चाशनी गर्म हो गई है. अब हम इसे बेसन में डाल देंगे. जैसे ही हम चाशनी को बेसन में डालेंगे तो इसमें जाली बन जाएगी. जाली बनते ही इसे हमें अच्छे से चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने. चाशनी डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है. अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये घी छोड़ देगा और ये बहुत ही हार्ड बनेगा. तो इसलिए अगर आपको सॉफ्ट बेसन चाहिए तो आप एकदम चाशनी डालें और फिर थोड़ा सा इसे पकाएं और गैस को बंद कर दें. ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए. और जैसे आप चाशनी डालोगे तो हमारे बेसन का कलर और डार्क हो जाएगा. अब ये तैयार है. अब हम इसे निकाल लेंगे. अब हम बेसन को एक प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें मैंने बटर पेपर लगा के रखा है. अब हम चाकू की मदद से इसको शेप दे लेंगे. पहले हमें इसे एक साइड से शेप देनी है, फिर हम इसे दूसरी साइड से शेप देंगे और इसे ऊपर से भी प्लेन कर लेंगे. फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे. ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू लिया है. आप चाहें तो पिस्ता भी इसमें डाल दें. अब हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से दबा लेंगे और इसे 1/2 घंटा पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे. आप चाहें तो इसे 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं. हमारी बर्फी ठंडी हो चुकी है. अब हम इसे काट लेंगे. पहले हमें इसे एक साइड से काटना है. ये देखिए बर्फी हमारी कितनी सॉफ्ट बनी है. ये कितनी आसानी से कट रही है. अब हम इसे दूसरी साइड से काट लेंगे.
काटते समय ध्यान रखिए कि आपके बर्फी के पीसेस एक साइज के आएं, तो इसे आप ध्यान से काटें। ये देखिए हमारी बर्फी अब कट गई है। अब हम बर्फी के पीसेस को उठा के प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनी है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। ऐसे एक एक करके आप अपने पीसेस उठाइए और प्लेट में रख लीजिए। ये देखिए हमारी बर्फी कितनी अच्छे से कटी है और बर्फी के पीसेस भी एकदम बराबर साइज के आए हैं। देखिए हमारे बर्फी के एजेस कितने स्मूथ आए हैं, इसी से पता चलता है कि हमारी बर्फी कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी ये शानदार रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।